अस्सलाम वालेकुम, फूड कोर्ट में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे चना चाट। चना चाट बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं एक पाव सफ़ेद काबली चने, जिसे मैंने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल के अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें बॉईल करके छोटा छोटा काट लिया है। 1/4 टीस्पून लिया है ऑरेंज फूड कलर, 1/2 टीस्पून लिया है अजवाइन जिसे दरदरा सा पीस लिया है, और नमक हसबे जायका। इस चाट के लिए इमली का एक खट्टा पानी बनता है मसाले वाला, तो उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून इमली का पल्प लिया था, जिसे 1/2 कप पानी के साथ मैंने घोल के रख लिया है। इसमें जाएगा 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक हसबे जायका, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून सौंठ यानी अदरक का पाउडर, और 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा। 2 हरी मिर्चें चाहिए बारीक कटी हुई, मैंने यहाँ 2 ली हैं, आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ले लें। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसे बारीक काट लिया है, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, और 1 प्याज है। अच्छा, प्याज में नमक शामिल नहीं करना, प्याज को काट के आपने ठंडे पानी में, मतलब बिल्कुल जो चिल्ड पानी होता है उसके अंदर आपने इसको रखना है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद इसका पानी फेंक के इसको निकाल लेना, तो ये बहुत क्रंची भी रहती हैं और इसकी स्मेल भी इतनी नहीं आती। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें सबसे पहले डालेंगे हम ये चने। जो आलू हमने काट के रखे थे उसमें से थोड़े आलू डाल देंगे, समझे, 1 आलू मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसमें ये जो अजवाइन हमने कूट के रखा था वो डालेंगे, ये नमक हसबे जायका और ये फूड कलर, इसमें थोड़ा पानी शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से गला लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें, आलू भी इसमें गले हुए हैं और चने भी इसमें गले हुए हैं, बस इसे हमने थोड़ा सा ऐसा पकाना है कि ये गाढ़ा हो जाए, तो आप इसे मीडियम आग पर ढक के थोड़ी देर पकाएं, फिर देखते हैं कितनी देर तक हमारे चने पक रहे हैं। हम ये इमली का खट्टा पानी बना लेते हैं, तो ये इमली के अंदर डालेंगे हम ये 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, ये भुना हुआ नहीं है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, और ये 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, नमक थोड़ा सा, इस चाट की ये अच्छी बात होती है कि जो जितना स्पाइसी खाना चाहता है वो उतना ये पानी बढ़ा लेता है, सारा कुछ इसके अंदर मिक्स नहीं करना। बस ये तैयार है, इसे पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए, और ये देखें आलू इसके अंदर कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसको ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर चाट बनाते हैं। चने हमारे ठंडे हो गए हैं, अब चाट बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे चने और आलू जो हमने बनाए थे। अच्छा, इसमें दही नहीं डलती, दही डालेंगे तो फिर वो टेस्ट इसका अजीब सा हो जाता है, तो दही इसमें शामिल ना करिएगा। अब ये जो हमने इमली का पानी बनाया था ये डालेंगे, ये आपकी मर्जी है, जितना खट्टा और तीखा आप खाना चाहें आप ये डाल सकते हैं। इसके बाद डालेंगे बॉयल आलू, अगर आप ऊपर से थोड़े चंक्स आलू के डालना चाहें तो। ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़े से। हरी मिर्चें, थोड़ा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, कटा हुआ टमाटर,
और प्याज। चाट हमारी तैयार है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।